नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से। न्याय की आस में युवता के नर साथियों संग पहुंची एसएसपी कार्यालय। कहा कुछ माह पूर्व नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट मामले में अनजान कॉल से मिल रही है धमकियाँ। बताया दोषियों पर नहीं हो रही कोई कार्यवाही, एसएसपी ने दिया आश्वासन। फिरोजाबाद में आज एसएसपी कार्यालय पर कुछ किन्नर एकजुट होकर पहुंचे और कुछ माह पूर्व नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट के आरोप में अदालत में केस दायर किया था, जो विचाराधीन है, जिसको लेकर अनजान नंबर से केस वापस लेने व न लेने पर जान से मारने की धमकी को लेकर शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। एकजुट किन्नरों ने आरोप लगाया कि दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। एसएसपी कार्यालय पर शिकायत पत्र दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जाओ आपकी सुनवाई होगी। बताया 11 जनवरी 2020 को थाना रामगढ़ क्षेत्र उर्दू नगर अजीम की पुलिया के पास निवासी शब्बो उर्फ शब्बू किन्नर को मामले को लेकर अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें अदालत में दायर किया गया उसका केस वापस लेने न लेने पर जान से मारने की धमकी की बात कही गई है, जिससे वह बहुत भयभीत है, इसी को लेकर शिकायत दी गई है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। रात को भाई फोन लेते बात करती हुई, जिसका फोन आ रहा है मुझे धमकी दे रहा था उसका, मैं फोन लेके थाने गई। एक सिपाही ने बात भी करी तो वो कुछ और नाम बता रहा, लेकिन वो कुछ और बता रहे पुलिस वाला ये वो बात। हाँ, उससे बात करा, कौन बोल रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सब्बो। आज आप कप्तान साहब के कार्यालय पर क्यों आई हैं? मैं इसलिए आई हूँ यहाँ, मुझे मानने की कल धमकी दी गई है, जो मेरा जिससे मुकदमा चल रहा है उन लोगों ने मुझे किसी के जरिए, गुंडों के जरिए या किसी के जरिए मुझे फ़ोन पे धमकी दी है, 5 लाख की तेरी सिपाही दी है, अगर मुकदमा वापस नहीं लेगी तो 3 दिन में तेरा खेल कर देंगे। कौन है ये और ये आपको धमकी? इमरान से चल रहा देता है आपको धमकी? इमरान दिलवा रहे हैं, उसके घर वाले पता नहीं किससे क्या दिलवा रहे, मैं तो जानती हूँ इमरान से मैटर है, बट कॉलिंग तो आई। अरे आप कहाँ पे आई हो, क्यों आई हैं? मैं कप्तान साहब के पास आई हूँ, ये मेरी ऑनर है शब्बू गुरु, और जो उनने धमकी दिया था तो इमरान से मैटर चल रहा है, बट कॉलिंग अनरोल नंबर से आया है, ये नहीं पता किसने कॉलिंग, कौन कर रहा है कॉलिंग, अपना नाम क्लियर नहीं बता रहा है। बंटी है केस नहीं लोगे आप तो आपको 3 दिन के अंदर कर दूंगा। जान से मारने की धमकी दे रहा आज, हमारी रिकॉर्डिंग भी है बाकायदा, बोला 5 लाख की मेरे को सुपारी दी गई है। कप्तान साहब से मिलेंगे आप, क्या कप्तान साहब ने कहा ठीक है आप जाइए हम देखते हैं, और रामगढ़ थाने हमारा वो चल रहा है और उनमें कुछ एक्शन नहीं लिया, उन्होंने बगी साहब भी वही है बस सुन नहीं रहा है, तो मजबूर होकर मुझे आना पड़ा है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे आदमी निवेदन है, मैं किन्नर समाज से बिलोंग करती हूँ, हमारा को हम तो दुआ मांगते हैं, आशीष देते हैं सबको, और किन्नर समाज आप जानते हो हमें कोई पैसा तो इतना है नहीं है, हम खुद आप लोग के दर पे जाते हैं, बच्चों का आशीर्वाद देते हैं, सब खुशी रहे, बस यही सब कुछ चल रहा है, हमें इंसाफ चाहिए, कुछ सुनवाई नहीं कर रहा मेरा। 3 दिन से धमकी दी गई ने मानने की मेरी शब्बू गुरु को,